माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आहान शेट्टी जी और तारा सुतारिया स्टारिंग तड़प, नाम भी देखो, नाम में दम है। इस फिल्म का डेट अनाउंस हुआ है, प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टेड बाय द आइकॉनिक डायरेक्टर मिलन लोथरिया। मिलन लोथरिया, डेट अनाउंस हुई है विजय जी। जी जी, क्या एक्साइटमेंट है डेट अनाउंसमेंट की? फॉर आहान शेट्टी का डेब्यू है, सुनील शेट्टी के बेटे, सुनील शेट्टी के बेटे है आहान शेट्टी और तारा सुतारिया, तो हमने देख उसको देख चुके हैं। टाइटल ही बहुत जबरदस्त, तड़प। और ये पिक्चर ऐसी लगती है मुझे 90s में जो आते थे पिक्चर में आशिकी वगैरह, वो सब वैसे लव स्टोरी लग रही है। मतलब लव स्टोरी बहुत ही जबरदस्त लगती है, देखने में बहुत मजा आएगा। और साजिद नाडियाडवाले की पिक्चर है और डायरेक्टर बाय मिलन लोथरिया, जो हमने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वन संपन्न मुंबई हो गई, दीवार हो गई, उन्होंने डायरेक्शन की थी। मतलब उनकी तो बात ही अलग है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील शेट्टी के बेटे एक्टर, उनको तो अभी तक हमने देखा नहीं, प्लस मिलन ये तारा सुतारिया। पोस्टर इतना जबरदस्त है, देखो ना आप, ऐसे बाइक पे लेटे हुए एक सुतारिया को भाव में लिया है। अरे यंग बॉयज में तो हंगामा मच जाएगा, जब एक जनरेशन है ना उनमें तो तड़प ही होगी कि पिक्चर हम देखें। अच्छा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हाँ, तो मतलब जो यंग जनरेशन है उसको ये फिल्म जरूर अट्रैक्ट। अरे वो तो अट्रैक्ट करके पोस्टर देख के ही देते हैं, ये तो हमारी पिक्चर है बोलेगी। विजय जी, ये साउथ फिल्म का रीमेक कह रहे हैं, RX 100 एक फिल्म आई थी जी जी साउथ में, साउथ की, जो कि ब्लॉकबस्टर हुई थी जी हाँ। उसके बाद बॉलीवुड में ये वाले रीमेक हो रहे हैं जिसमें सुनील शेट्टी के बेटे जी हाँ। अब ये देखने बात है कि सुनील शेट्टी ने जो काम किया है अभी तक एज एक्शन हीरो, फिर कॉमेडी, क्या उनके बेटे कर पाते हैं नहीं, ये देखने का भाई। ओके, कि सुनील शेट्टी ने सभी रोल किए, विलन का रोल किया, हीरो का रोल, कॉमेडी, सीरियस रोल, अब उनके बेटे कैसे ये पता नहीं। तारा सुतारिया को लास्ट हमने देखा था मर जावा में देखा था, काफ़ी सारे पिक्चर में देखा थी। हाँ, क्या एक्सपेक्टेशन है तारा सुतारिया से? नहीं, अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, देखो ये सब काम है डायरेक्टर का, डायरेक्टर काम निकाल सकता है। बच्चन साहब ने रमेश सिपी ने बनाई शोले सुपर हिट, और उसी ने बनाई शान, ओवर एक्टिंग बच्चन साहब, ये काम है डायरेक्टर का। डायरेक्टर चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। डायरेक्टर तो बड़े ही है मिलन लोथरिया। मिलन लोथरिया, डर्टी पिक्चर देखो, नजरुद्दीन शाह और विद्या बालन की जोड़ी कैसी जमाई थी, और क्या पिक्चर थी, क्या लोग नाच रहे थे थिएटर में, उलाला। तो बात ही अलग उनकी तो। और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। लगता है हंगामा करे, सवाल ही नहीं, हंगामा करे अगर। और साजिद नाडियाडवाले की सारी पिक्चर है म्यूजिक अच्छा ही होता है। ये न्यूज में ये आया था कि हीरोपंती 2 पहले लेके आने वाले थे, उसके बाद तड़प लेके आने वाले अच्छा थे, लेकिन उन्होंने अदला बदली कर दी और पहले अभी तड़प लेके आ रहे, उसके बाद में वापस आएगी हीरोपंती 2 टाइगर चौक के साथ। टाइगर, अरे माचो मैन। तो चलिए भैया, दिसंबर में रिलीज डेट है, दिसंबर 3rd December, तब तो सब सामान्य हो जाएगा। ओके, हम आएंगे गेटी गैलेक्सी में आपके पास आपका रिव्यू जानने के लिए। yes. और ट्रेलर आएगा फिल्म का, वापस हम आपके पास आएंगे ठीक आपका रिएक्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, स्टारिंग आहान शेट्टी एंड तारा सुतारिया। इंट्रोड्यूसिंग आहान शेट्टी, सुनील शेट्टी के बेटे। yes, हमारे साथ में हमारा मराठी मानूस समृद्ध, तड़प है समृद्ध में इस फिल्म को देखने की। ट्रेलर भी आया नहीं है, सिर्फ रिलीज डेट बताइए। यस। क्या एक्साइटमेंट है? तड़प तीन चीज़ की है, एक मिलिन लोथरिया का डायरेक्शन, रजत अरोड़ा की राइटिंग और आहान शेट्टी का एक्टिंग देखने के लिए। बचपन से अभी 90s के ज़माने में सुनील शेट्टी ने जो रॉर किया था ना, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि आहान शेट्टी भी रॉर करेंगे। जब 2018 में फिल्म आई थी RX 100, उसका रीमेक है, अजय भूपति, यह साउथ की फिल्म थी, अजय भूपति ने डायरेक्ट किया था और एक्चुअली रियल लाइफ पे बेस्ड है फिल्म। अच्छा। उनके जो डायरेक्टर थे अजय भूपति, उनके दोस्त की लाइफ पे फिल्म के बेस्ड है। मिलन लोथरिया, उनका मैं सिर्फ दो ही पिक्चर में को दो तीन पिक्चर में को ज़्यादा याद आ रहा है, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, और डर्टी पिक्चर। क्या क्लास डायरेक्शन, क्या क्लास राइटिंग और डायलॉग्स, माई गॉड। उनकी मतलब पहचान है मिलन लोथरिया की,
डायलॉग्स पिक्चर में ना होना तो डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं उनका, आइकॉनिक डायलॉग, आइकॉनिक डायलॉग बोल सकते हैं। और मुझे ये फिल्म पे पूरा भरोसा है और आन शेट्टी उस पर जस्टिस देंगे बॉस, कितना बोल सकता हूँ यार। मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक डायलॉग याद आ रहा है जब इमरान हाशमी बोलता है कि अगर शाम को नहीं मिलूंगा तो शाम बुरा मान जाएगी। हाय 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 हाय। और उसका और एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है वंस अपॉन अ टाइम मुंबई का, जो इमरान हाशमी के पिताजी को बोलते हैं कि तूने आज तक अभी प्रसाद नहीं खाया लेकिन आज तूने भगवान बदल दिया तूने। अरे क्या डायलॉग्स लिखे थे रजत अरोरा ने। और ये टाइम पे भी डायलॉग्स ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मिलिंद लुथरिया से और रजत अरोरा से। और प्रोड्यूसर कौन है बॉस? साजिद नाडियाडवाला। तो बहुत अच्छी तरह से उसको लॉन्च करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और 3 दिसंबर को आ रहा, तो मेरे को इतनी तड़प हो रही है कि कब थिएटर खुलेगा, कब दिसंबर, कब मैं भाग जाऊँ थिएटर पे जा रहा, ऐसा हो रहा है। पोस्टर कैसा लगा? तारा सुतारिया को ऐसे बाहों में जकड़ के पीछे से हवा चल रही है, तूफान आ रहा है। तूफान तो तब आएगा जब 3 दिसंबर को जब थिएटर खुलेगा। ओके तड़प का जब तूफान आएगा ही आएगा, क्योंकि जब मुझे इतना भरोसा, जब पोस्टर में जब वो RX वो बाइक दिखाई है, बाइक पे वो सिगरेट जला रहे, पीछे का जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, आए हाय हाय, कॉपीड है। मैं तो बोलता हूँ ओरिजिनल फिल्म का कॉपीड पोस्टर है, लेकिन जो जस्टिस दिया ना पोस्टर से मेरे को धमाका लग रहा है, तो और क्या चाहिए यार। तो बस इतना ही बोलूंगा मिथिल लुथरिया से ओरिजिनल फिल्म में। यस यस, जब मैंने भी वो फिल्म देखी थी, यस यस यस, तो उसमें कहता है कि मेरा अभी साथी कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरी बाइक है RX 100। यस, और उस बाइक को वो लोग जला देते हैं। यस यस, इसमें क्या ट्विस्ट लेके आ सकते हैं राइटर्स? अभी देखो तड़प, फिल्म का नाम तड़प लगा तो मेरे को अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ओरिजिनल फिल्म भी देखी थी, कार्तिक है उन्होंने मैंने लीड किया था उन्होंने। माय गॉड, उनके एक्सप्रेशन, उनका क्लाइमेक्स देख के और 3 ट्विस्ट, माँ कसम, तो इसमें क्या करेंगे अभी रजत अरोरा भी उनको ही पता। पोस्टर से सिर्फ इतना ही देख रहा है, ब्लॉकबस्टर ही लग रहा है मेरे को। आन शेट्टी मासी फिल्म लग रही है, मासी फिल्म लगी, और ऑफकोर्स लगेगी यार। अरे ऑफकोर्स मिलिंद लुथरिया है तो भाई बात खत्म। ओके, रजत अरोरा की राइटिंग है, बात खत्म, क्योंकि उन्होंने शूट आउट एट लोखंड वाला जिससे क्या पिक्चर बनाया था, गैंगस्टर वे में क्या पिक्चर बनाया, डर्टी पिक्चर में इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स आए। हाय हाय, सुपर एक्साइटमेंट ओनली ऑन रिलीज डेट। अभी तक तो टीजर भी नहीं आया, ट्रेलर भी नहीं आया, एक्सपेक्ट कर रहे कि थोड़ा जल्दी आ जाए ताकि हम जल्दी रिएक्शन और रिव्यू कर सके फॉर तड़प। देखते आहन शेट्टी का डेब्यू। लेकिन मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, मरजावा में तारा सुतारिया मर गई थी, इसमें अभी इसको गूंगी भी थी और वह मर भी गई, क्या नसीब रहेगा। लेकिन इसमें तारा सुतारिया का जो रोल रहेगा ना देखने लायक, वो बहुत पावरफुल होने वाला है यार, सीरियसली। क्या बात है, लेट्स सी। आने दो टीजर और ट्रेलर, हम वापस आएंगे हमारे मराठी मानुस के पास में। सुपर एक्साइटेड फॉर तड़प। थैंक यू, थैंक यू।